गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सेनेट सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11th क्लास का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। और मात्रक एवं मापन के चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था विमीय समीकरणों के उपयोग। और विमीय समीकरणों के अपन ने तीन उपयोग पढ़े कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। अगर समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की क्या करती है, पालना। दूसरा उपयोग अपन ने पढ़ा कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अपन रूपांतरित कर सकते हैं। और तीसरा उपयोग अपन ने पढ़ा कि विमीय समीकरणों की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित कर सकते हैं। आज यूनिट्स और मेजरमेंट के इस लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। पहले अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक, फिर अपन पढ़ेंगे किसी भी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे गणना में सार्थक अंक, और लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बचेगा त्रुटि या एरर। तो यह चैप्टर समापन की ओर है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर और रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो टॉपिक अपन ले रहे हैं सार्थक अंक, टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं सार्थक अंक, और सार्थक अंक को अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक या टॉपिक अपन ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब आपको मैंने बताया कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन राशियों को अपन बोलते हैं भौतिक राशियां। तो सार्थक अंक अपन किसे बोलते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के शुद्धता से मापन के लिए आवश्यक जो अंक होते हैं उसे कौन से अंक कहते हैं, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की क्या परिभाषा होती है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध रूप से मापन के लिए, आवश्यक अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के प्योर मेजरमेंट के लिए या किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध रूप से मापन के लिए आवश्यक जो अंक होते हैं वो कौन से अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक। अब अपन टॉपिक ले रहे हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, अंक अपन दो तरीके के लेते हैं, एक तो होता है बेटा 0, 0 और दूसरा अंक होता है कौन सा, S0। एक तो 0 होता है और दूसरा नॉन जीरो नंबर। तो किसी भी संख्या में आने वाले सभी नॉन जीरो नंबर या किसी भी संख्या में आने वाले सभी S0 अंक कौन से अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक। लेकिन 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। पहला रूल समझना कि सभी S0 अंक सार्थक अंक होते हैं, ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी S0 अंक होते हैं, किसी नंबर में आपको पूछेगा कितने S0 अंक हैं, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं या जितने भी S0 अंक होते हैं वो तो सारे के सारे S0 अंक कौन से अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक। तो पहला नियम हो गया कि सभी S0 अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी S0 अंक कौन से अंक होते हैं,
सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, उसका रूल अलग होगा। लेकिन जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, वन ऐसा लिख दिया, तो इसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर, तो इसमें आपको बचे कितने सार्थक अंक है? आंसर जाएगा चार। दूसरा एग्जाम्पल दे दो, 2500, तो इसमें दो तो जीरो है, दो नॉन जीरो नंबर है। तो आपको मैंने बताया कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं या जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सारे के सारे अशून्य अंक कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इस संख्या में आपको पूछे कितने सार्थक अंक हैं? दो। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल दे दूं, ये लो, अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अशून्य अंक तो एक है, बाकी जीरो है, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इसमें कितना सार्थक अंक है? एक। तो पहला रूल हो गया कि किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सारे के सारे अशून्य अंक कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक। अब दूसरा रूल मैं बता रहा हूं कि जीरो भी सार्थक अंक होते हैं, अगर वो कितने अशून्य अंकों के मध्य आते हैं? दो। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक। तो दूसरा रूल, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक होंगे, लेकिन जीरो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन शून्य भी सार्थक अंक होगा अगर वो कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है? दो। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा, जैसे लिखा 2004, अब इसमें दो तो नॉन जीरो नंबर है, दो और चार, और दो इसमें जीरो है, लेकिन जो जीरो है वो कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं? दो। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वो सारे के सारे शून्य कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बेटा? चार। जैसे इसी को मैं लिखता हूँ बेटा 2020, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अब इसमें दो तो जीरो है और दो नॉन जीरो नंबर है, तो जितने भी अशून्य अंक है वो तो सार्थक अंक होते हैं। जीरो सार्थक अंक होगा अगर वो कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है? दो। तो इसमें ये दो सार्थक अंक है, जीरो भी सार्थक अंक है, क्योंकि दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है, लेकिन ये जीरो सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बेटा? तीन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, 250100, इसमें कितने सार्थक अंक? तो एक तो 2 है, एक 5 है, एक 1, ये जीरो भी सार्थक अंक होगा क्योंकि कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है? दो। तो ये आगे वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हो गए बेटा? चार। तो सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं अगर वो कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं? दो। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक। क्लियर। तीसरी चीज, तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो तथा संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव के
दाई ओर और प्रथम शून्य अंक के, प्रथम शून्य अंक के बाई ओर, बाई ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। रूल को समझना। सार्थक अंक याद करने का मैं तीसरा नियम बता रहा हूं। यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो तो संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य कौन से अंक नहीं होते? सार्थक अंक। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल आपको मैं डिस्कस करूं, 0.0025। अब इस संख्या में आप देख सकते हो दशमलव उपस्थित है, संख्या एक से छोटी है। तो मैंने आपको बताया यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है और संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो सारे के सारे शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो बताओ इस संख्या में कितने सार्थक अंक? दो, एक तो दो और एक पाँच, क्योंकि ये दोनों अशून्य अंक है और सभी अशून्य अंक कौन से अंक होते हैं? सार्थक। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक है बेटा? दो। एक एग्जांपल जैसे मैं दूं 0.001, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इसमें आपको होता है संख्या में दशमलव उपस्थित है तो इसके दाईं ओर आने वाले और इस फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हो, इसमें कितना है बेटा? एक। एक एग्जांपल दो 0.00205। अब इस संख्या में भी दशमलव उपस्थित है, संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। अब इसमें एक तो टू सार्थक अंक है, एक फाइव है, लेकिन ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है? दो। तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है बेटा? तीन। इस तरीके से ज्ञात करें, तो यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है, संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के बाद आने वाले दाईं ओर आने वाले और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य कौन से अंक नहीं होते बेटा? सार्थक अंक। ये तीसरा रूल। अगला रूल डिस्कस कर रहे हैं, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है तथा संख्या एक से छोटी हो तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। रूल को समझना। यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है तथा संख्या एक से छोटी है तो उस संख्या में अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जितने भी जीरो होते हैं वो दाईं ओर आने वाले सभी के सभी शून्य कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा,
0.00500। बताओ बेटा इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? पहले चीज देखो संख्या में क्या उपस्थित है, दशमलव। दूसरी बात निकल कर आई कि संख्या एक से छोटी है, तो इस दशमलव के दाईं ओर आने वाले और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य, ये तो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है तो अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य होंगे तो सारे के सारे शून्य कौन से अंक होंगे? सार्थक अंक। बताओ बेटा इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे शून्य कौन से अंक होंगे? सार्थक। तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है बेटा? 3.00250। अब ये पीछे वाले जीरो सार्थक अंक होंगे? नहीं होंगे। लेकिन दशमलव उपस्थित और अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक, इसमें भी कितने बेटा? 3। लेकिन इसी एग्जाम्पल को ऐसा दे दूं 1.00250। बताओ बेटा इस संख्या में कितने सार्थक अंक? अब संख्या एक से छोटी नहीं है, एक से बड़ी है, तो ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक होंगे क्योंकि ये कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं? 2। और ये जीरो भी सार्थक अंक होगा क्योंकि संख्या में क्या उपस्थित है? दशमलव। और अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य कौन से अंक होते हैं? सार्थक। तो बताओ इस संख्या में कितने सार्थक अंक है? ये भी होंगे, ये भी जीरो भी होगा, तो 3 और 3 कितने होंगे बेटा? 6। ठीक है, अब इसी को ऐसा दे दूं मैं 1.00250। बताओ बेटा इसमें कितने सार्थक है? अब इसमें एक सार्थक अंक है, 2 भी है 5 भी है, ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक होंगे क्योंकि कितने अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं? 2। लेकिन ये जीरो सार्थक अंक नहीं होगा क्योंकि संख्या में क्या नहीं उपस्थित है? दशमलव। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 और 2 5 6 नहीं, कि संख्या में क्या नहीं उपस्थित है? दशमलव। अगर ऐसा कई एग्जाम्पल दे देता है इसमें कितने सार्थक अंक, आंसर जाएगा 4, दाईं ओर आ रहे हैं। इसमें पूछा जाएगा इसमें कितने सार्थक अंक, 1। इसमें पूछा जाए इसमें कितने सार्थक अंक, 3। दशमलव उपस्थित है तो बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन दाईं ओर आने वाले सभी शून्य कौन से अंक होंगे? सार्थक। ये रूल। आगे देखना, अगला रूल नंबर 5। पांचवा मैं बता रहा हूं कि सभी शून्य सार्थक अंक होंगे यदि संख्या के आगे मात्रक लगा हुआ हो, मात्रक लगा हुआ हो। तो सभी शून्य सार्थक अंक होंगे यदि संख्या के आगे क्या लगा हुआ हो? मात्रक। कहने का मतलब सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि वो शून्य मापन के द्वारा प्राप्त होते हैं। All zeros are significant figure if they are obtained from the measurement। कि सभी शून्य सार्थक अंक होंगे अगर संख्या के आगे क्या लगा हुआ है? मात्रक। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछू 2000 में कितने सार्थक अंक है? 1। लेकिन अगर इसको मैं लिख दू 2000 मीटर, अब सभी शून्य सार्थक अंक होंगे बेटा कितने? 4। अगर 2500 लिखो इसमें कितने सार्थक अंक? तो 2। और आगे मैं केजी लिखता हूँ इसमें कितना सार्थक अंक हो गए? 4। तो सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि संख्या के आगे क्या लगा हुआ है? मात्रक। तो मात्रक लगा हुआ होगा तो वो सभी शून्य कौन से अंक होंगे? सार्थक। लास्ट रूल अपन डिस्कस कर रहे हैं, 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। दस की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है।
जितने भी 10 की घात में होंगे ना, उनको किन अंकों में नहीं गिने जाते? 7 तक। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg। अब पूछेगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो मैंने कहा 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। कितने सार्थक अंक हो गया बेटा? 2। जैसे मैंने पूछा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ m/s, तो इसमें 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, तो इसमें कितना सार्थक अंक है? 1। प्लांक नियतांक h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³¹ J/s। तो रूल मैंने ये बताया कि 10 की घातों को किन अंकों में नहीं गिना जाता? सार्थक। तो इसमें आपको पूछा कितने सार्थक अंक है, आंसर जाएगा 3। तो ये सार्थक अंक और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, राउंडिंग ऑफ करना, पूर्णांकित करना और गणना में सार्थक अंक। थैंक यू।